Hey guys, hi everyone, good afternoon. Good afternoon guys. क्या मेरी आवाज आप लोगों तक लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है? Is everybody guys? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है? So that we can start with this session. Just let me check guys. I think yes, I'm live. Just hold on to a second, guys. Haji, guys. I think yes. अभी मेरी आवाज आप लोगों तक loud and clear पहुंच रही होगी. There was some internet disruption, but now it is absolutely fine. Question number 25 से start करेंगे, guys. हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे-अच्छे questions करे थे of ITC into the previous session and carrying on from there guys, वहां से carry on करते हुए आज के इस session में बढ़ते हैं. कहते हैं Jamkul Limited, a registered person is engaged in the business of spices. Okay, it provides following details in relation to GST paid on inward supplies. Procured by it during the month of October. तो ठीक है भाई, अक्टूबर में जो उसने दोस्तों सर्विसेज अवेल करी है उससे जुड़ी भी इंफॉर्मेशन दी गई है. रॉ स्पाइसेस sold to customers 50,000 rupees. Raw spices used for personal use of directors 20,000. अब आपको पता है दोस्तों जो कस्टमर्स को बेचे गए क्या उससे जुड़ा हुआ ITC विल इट बी एडमिसिबल? हाँ जी. वेयर एज जो पर्सनल यूज से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ ITC विल नॉट बी एडमिसिबल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल ITC बी अवेलेबल ऑन दिस? यस, ITC विल बी अवेलेबल ऑन दिस. मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉई, क्या मोटर व्हीकल अलाउ करा जाता है गाइस? नहीं, मोटर व्हीकल विल नॉट बी अलाउड. मोटर व्हीकल विल बी प्रोहिबिटेड गाइस, इट विल नॉट बी अलाउड. व्हाई? क्योंकि सर मोटर व्हीकल का यहां पर इन्होंने कोई भी सीटिंग कैपेसिटी नहीं दिया है. तो व्हाट आर वी गोना अज्यूम, हम क्या अज्यूम करने वाले हैं? वी आर गोना अज्यूम एज इफ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज लेस देन 13 या इज अप टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इज अप टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, एंड देयरफॉर इट विल बी प्रोहिबिटेड, अलाउ नहीं किया जाएगा. एंड नेक्स्ट गाइस, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स. गाइस, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है, विल ITC बी एडमिसिबल ऑन टू दैट? द आंसर इज नो, ITC विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन टू दैट. तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल विद Jamkul प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स गाइस, बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन गाइस आप लोगों को आंसर करना होगा. ओके, आ जाओ. कितना ITC अवेलेबल होगा गाइस? कितना ITC, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC? सर जो मोटरसाइकिल का सिटिंग कैपेसिटी 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, मोटरसाइकिल, डू यू एक्सपेक्ट अ मोटरसाइकिल टू हैव अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13? द मोटरसाइकिल इज ऑल्सो ब्लॉक्ड unless its cubic capacity of the engine is up to 25 cc. 25 cc तक की अगर कोई गाड़ी है तो उस पर ITC is admissible. 25 cc, सिर्फ 25. Alright guys, तो in this case guys 50,000 पर ITC मिलेगा और 25,000 पे मिलेगा total ITC that will be admissible to you in this scenario, in this case, in this question will be 75,000. ये देखिए 75,000 guys. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा अच्छा वाला अपन और क्वेश्चन उठाते हैं, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, आ जाओ भाई. कार या बस,
कार या बस में सीटिंग कैपेसिटी दोनों केस में 13 से ज्यादा होनी चाहिए. इन दैट केस ओनली द आईटीसी विल बी अलाउड, अदरवाइज आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त. ऑलराइट, आ जाओ भाई नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस. एक्स वाई ऑफ कोलकाता is engaged in supplying of various goods and services. It pays GST under regular scheme. The information, the following information is provided by it for the month of July. Kuch information di gayi hai doston for the month of July. Aajao bhai, payment amount, interstate purchases of office stationery. Interstate purchases of office stationery, दोस्तों this is a business expense, interstate है guys, तो इस पर दोस्तों आपने IGST pay किया होगा, वैसे भी clear cut लिखा है, ये payment वाले section में है, तो 1,40,000, 1,40,000 का इस पर IGST लगा होगा. Repairing of lorry used to transport goods from warehouse to client's location. Repairing of lorry used for transportation of goods. Now everybody has to be super duper attentive onto this point. Agar lorry use hui hai, dosto, to in that case, in that scenario guys, kya usse juda hua kharcha repairing ka, kya usse juda hua ITC allow hoga? The answer is yes. Dosto, maine hamesha bataya hai ki agar koi motor vehicle पर आईटीसी अलाउड है तो उससे जुड़ा हुआ रिपेयर, जनरल इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हुआ हो तो उससे जुड़ा हुआ आईटीसी भी अलाउ किया जाएगा. और अगर गाड़ी पर आईटीसी अलाउड नहीं है, मोटर व्हीकल पर आईटीसी अलाउड नहीं है, तो उसके रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पे भी जो जीएसटी होगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. फील विंड साउंड एट माइक लेवल होना नहीं चाहिए. स्विच ऑन द स्विच ऑफ द फैन. ओके, एसी इज वर्किंग, तो आई थिंक इट शुड बी बेटर नाउ. तो गाइस, इससे जुड़ा हुआ आईटीसी क्या मिल जाएगा? हाँ जी, बट बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट, इस पे सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी. ऑलराइट, नेक्स्ट. Interstate supply of office stationery. दोस्तों हमने supply किया है office stationery. हाँ जी guys, बताओ क्या will it ITC be admissible? क्या इस पर दोस्तों हम tax collect करेंगे? Interstate है तो we'll be collecting IGST. हम क्या collect करेंगे? IGST collect करेंगे on 2 lakh rupees. Next, intrastate supply of 500 combi packs containing one calculator and one diary. अच्छा guys, अगर one calculator, one diary है guys, तो क्या ये naturally bundled है guys? या दोस्तों, हाँ जी, मुझे बताइए, artificial bundle है. Sir, this seems to be an artificial bundle. Sir, ये artificial bundle है. Artificial bundle में अपन क्या बोलते हैं guys? आर्टिफिशियल बंडल को अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सप्लाई. क्या बोलते हैं गाइस? मिक्स्ड सप्लाई. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग वन कैलकुलेटर वन डायरी मिक्स सप्लाई. और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट विल बी मेड एप्लीकेबल, जो अपने को नीचे देखना पड़ेगा व्हाट इज द रेट जो अप्लाई करेगा. नेक्स्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट इस वाले केस में. हाँ जी गाइस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगेगा. नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि बैंक विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन एरिया ब्रांच. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस. Intrastate supply of services of business correspondent to Shubh Vidhi Bank. हाँ जी guys, मुझे बताइए, सर ये तो reverse charge mechanism में आता है ना, तो reverse charge mechanism में bank जाकर pay करेगा, XY of Kolkata will be exempted? नहीं guys, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं revise करवाता हूँ.
अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विसेज देता है, बैंक को सर्विसेज देता है, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। क्या लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को देता है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल होता है गाइस? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगर एजेंट्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये वाला दोस्तों आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आया? जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा पॉइंट है आउट ऑफ दिस थ्री? आउट ऑफ दिस थ्री दोस्तों ये वाला पॉइंट है, द सेकंड वन, वेयर द बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, तो इट विल फॉल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हरी भाई ने पूछा, सर अगर रूरल ब्रांच होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। शाबाश हरी भाई, रूरल ब्रांच होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, बिल्कुल सही। तो इन दिस केस गाइस 1 लाख पर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी गाइस, क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं 10% ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस मशीनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जो हमने ऑफिस स्टेशनरी बेची है उसमें से 10% अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची है, अगर हम चाहे आगे अनरजिस्टर्ड को बेचे रजिस्टर्ड को बेचे, हम टैक्स तो पूरा का पूरा ही कलेक्ट करेंगे ना। हाँ, ये बात सच है कि जो सामने वाला रजिस्टर्ड इंसान है, जो सामने वाला दोस्तों रजिस्टर्ड इंसान है, वो आईटीसी का बेनिफिट उठा पाएगा, अनरजिस्टर्ड वाला आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट, ईच कॉम्बी पैक कंटेनिंग अ कैलकुलेटर एंड डायरी इज प्राइस एट 800। दोनों अगर साथ में दिया जा रहा है तो 800 है। द कैलकुलेटर एंड द डायरी आर इंडिविजुअली प्राइस एट 700 रुपीज एंड 200 रुपीज रिस्पेक्टिवली। द कैलकुलेटर एंड द डायरी आर इंडिविजुअली प्राइस्ड एट 700 एंड 200 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो यहां हम इंडिविजुअली तो बेच नहीं रहे हैं, यहां हम कैसे बेच रहे हैं दोस्तों? हम एज अ कॉम्बो बेच रहे हैं। इंडिविजुअली बेचेंगे तो इंडिविजुअली रेट भी लगेगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एन इनवॉइस ऑफ 40,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। अगर दोस्तों इनवॉइस 40,000 का मिसिंग है आउट ऑफ 1,40,000 गाइस, आउट ऑफ 1,40,000 एक 40,000 का मिसिंग है, तो इसमें से दोस्तों 1.4 लाख माइनस 40,000 रुपए बचा 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए पर दोस्तों आपका आईजीएसटी लगेगा, 1 लाख पर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि 40,000 का इनवॉइस नहीं है, और अगर इनवॉइस नहीं है तो आईटीसी भी नहीं है, आईटीसी भी भूल जाओ। ऑल राइट गाइस, All the figures mentioned above are exclusive of taxes wherever applicable. Ajo bhai, rates of CGST, SGST and IGST for all services, office stationery and calculator are 9, 9 and 18% respectively. Lekin diary ke case mein kitna hai? 14, 14 and 28. Ab guys, samajh gaye? Ye diary ka alag kyun diya? Kyunki upar jo inhone mixed supply banaya, यहां पर जो दोस्तों इन्होंने मिक्स्ड सप्लाई बनाया जिसमें हाईएस्ट रेट लगेगा और इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी विल बी डिवाइड एट द रेट 14% एंड एसजीएसटी विल बी डिवाइड एट द रेट 14%। डू दे हैव एनी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आईटीसी? यस, ओपनिंग बैलेंसेस भी है। डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आईटीसी एज ऑन 1 जुलाई इज गिवन एज अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी 5,000 5,000 80,000 रुपए का दोस्तों आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, आईटीसी का जब अपन टोटलिंग करेंगे तब इसका भी ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई, एवरीवन लेट अस डू इट गाइस, करें गाइस एवरीबॉडी, आ जाओ भाई। अपन सबसे पहले आउटपुट,
Output tax payable. CGST, SGST, IGST. इंटरस्टेट परचेजेस ऑफ ऑफिस, ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस मशीनरी, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ दो लाख का इंटरस्टेट है तो दोस्तों 2 लाख का 18% 36,000। नेक्स्ट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर्स, ऑफ कैलकुलेटर्स एंड डायरीज, कॉम्बो कॉम्बो ऑफ कैलकुलेटर्स प्लस डायरीज। हाँ जी गाइस, कितना है? 4 लाख रुपए इंटू 14% CGST, 14% SGST, तो टोटल 28% है CGST एंड SGST। 4 लाख का 28% डिवाइड बाय 2, 56,000, 56,000, 56,000, ये खत्म गाइस। उसके बाद दोस्तों 1 लाख रुपए का और हुआ, 1 लाख रुपए का वो और हुआ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो दोस्तों इंट्रास्टेट, हाँ जी गाइस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज टू बैंक 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख पे दोस्तों 18% कितना हुआ गाइस? 18,000, जो कि इंटरेस्ट रेट है, तो 9,000 CGST, 9,000 SGST। हाँ जी गाइस, 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 एंड 36,000। हाँ जी गाइस, 65,000, 65,000, 36,000। हाँ जी गाइस, ओके, ये आपका आ गया टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट टैक्स उसके बाद आता है दोस्तों, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। इसके ओपनिंग बैलेंसेस 5,5 और 80,000 थे गाइस। CGST, SGST और IGST। पांच हजार, 5,000, 80,000। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इंटर स्टेट परचेजेस ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, इंटर स्टेट है जिसमें से 40,000 रुपये माइनस होगा। हाँ जी गाइस, इंटर स्टेट
office machineries. 1.4 lakhs माइनस 40,000 बचा 1 लाख, उसका 18% 18,000. उसके बाद आएगा गाइज, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट रेट हो गया ये, उसके बाद आएगा आप लोगों का रिपेयरिंग ऑफ लॉरी. इंटरेस्ट रेट में है रिपेयरिंग ऑफ लॉरी. एक लाख रुपए का 18% 18,000, इधर आएगा 9,000, इधर आएगा 9,000, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा. टोटल करो गाइस, 9514, 9514, और ये आ रहा है 98,000 रुपीस, 98,000 रुपीस गाइस. अब हाउ शुड वी यूटिलाइज इन अ वे विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल, हाउ शुड वी यूटिलाइज इन अ वे विच इज मोस्ट बेनिफिशियल. सर सबसे पहले सर आपको नंबर वन प्रायोरिटी, आपको यहां पर 36,000 में से सेट ऑफ करना पड़ेगा. तो 36,000 माइनस 36,000, 36,000 माइनस 36,000, आपका ये तो हो गया निल. और आईटीसी अगर 98 में से 36,000 यूज हो गया, 98 में से अगर 36,000 यूज हो गया तो कितना बचाएगा, 62,000. नाउ द पॉइंट इज, अब आपको ये 62,000 रुपीज यूज करना है विच कैन बी यूज अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, बट इट शुड बी यूटिलाइज इन अ वे जिससे बेस्ट असेसी का, या ये मैं बोलूं असेसी को सबसे कम कैश आउटफ्लो हो. अब हमारे पास गाइस इतना ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी की हमारे पास 65,000 की लायबिलिटी है, 14,000 का आईटीसी. तो 65 माइनस 14 कितना निकल कर आता है, 51. मतलब हम 51,000 तक सीजीएसटी से कर सकते हैं एंड लाइकवाइज 51,000 से एसजीएसटी से भी कर सकते हैं. तो आप दोस्तों, मैं आपको अलग अलग केसेस बना के दे रहा हूं एंड ऑल द केसेस विल बी एब्सोल्युटली फाइन. अब दोस्तों यहां पर आपका केस नंबर वन यहां पर बनाकर दे रहा हूं, आप यहां पर 51,000 ले लें और यहां पर 14,000 ले लें. केस नंबर टू आप यहां पर 14,000 ले लें, यहां पर 51,000 ले लें. और केस नंबर थ्री आप इक्वली भी ले सकते हैं, 31-31, दैट इज ऑल्सो फाइन. आप इक्वली भी ले सकते हैं गाइस, 31-31. हाँ, अब कोई बच्चा बोले सर अगर मैं एक में 32,455 लूं और दूसरे में बचा हुआ अमाउंट लूं तो क्या चलेगा? चलेगा, कायदे से चलेगा. लेकिन डू नॉट टेक एनी एब्सर्ड नंबर्स गाइस, एब्सर्ड नंबर्स मत लेना. और फिर बाद में आगे कह रहे हैं हमारे तो मार्क्स कट गए. अरे यार, तुम भी तो कितने एब्सर्ड नंबर ले रहे हो, या तो एक तरफ करो दूसरी तरफ करो या इक्वली बांटो. ऐसे मत करना कि 62 में से 44,869 रुपीज एक में और बचा हुआ दूसरे में करेंगे तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा और मेरे को भी, हम दोनों ही चद्दर में लपेट के पिटाई करेंगे गाइस. तो इन दैट केस गाइस, प्लीज मेक श्योर जो भी आप आंसर लें वो थोड़ा सा लॉजिकली और सिस्टमैटिकली हो गाइस. तो लेट्स से अगर अपन केस नंबर वन ले लेते हैं, जहां पर 51,000 इज बीइंग सेट ऑफ फ्रॉम सीजीएसटी एंड द रिमेनिंग 11 गाइस. मैंने पता नहीं क्या कैलकुलेशन 65 में से क्यों कर दिया, 62 में से करना था. हाँ जी गाइस, 11,000 यहां पर होगा गाइस, तो 51 and 11. ओके, अब इधर देखिएगा गाइस, 65 में से 51 चला गया तो बचा 14,000, और 14,000 यहां पर सेट ऑफ हो गया, बचा 14,000 रुपए और 14,000 आपका यहां पर गाइस सेट ऑफ हो गया.
तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी इसकी हो गई निल, इसकी ऑलरेडी निल हो चुकी थी। एंड लास्ट इधर देखिए गाइस, इधर देखिए 65 में से 11,000 गया तो कितना बचा, 54,000, 54,000 में से 14,000 गया तो गाइस कितना बचा, 40,000 rupees, 40,000 rupees। तो SGST का आपको 40,000 is what you will have to pay, 40,000 का आपको SGST का पे करना पड़ेगा। Alright guys, everyone clear about it? Everyone clear about it? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन अच्छा था गाइस, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन आफ्टर ऑल। यहां पर देखो 40,000 का आया है, लेकिन शायद CGST में आया, इन्होंने केस नंबर 2 अप्लाई कर दिया है, जहां पर इन्होंने इन्होंने पहले SGST से सेट ऑफ किया। किससे सेट ऑफ किया गाइस? SGST से सेट ऑफ किया, और रिमेनिंग अमाउंट दोस्तों इन्होंने CGST से किया। तो पहले SGST से किया दोस्तों, कितना, वही आपका 51,000 एंड 11,000 वाज सेट ऑफ अगेंस्ट CGST। आ जाओ भाई, परितोष एंड कंपनी अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेस GST अंडर रेगुलर स्कीम, इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज इन अ टैक्स पीरियड। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख के, तो इंट्रास्टेट है, तो इसमें इन दिस केस यू विल बी कलेक्टिंग CGST एंड SGST, CGST प्लस SGST। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स यू विल बी कलेक्टिंग IGST। नेक्स्ट, इट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज इज मेड बाय इन दैट टैक्स पीरियड। इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड, तो यहां पर ITC मिलेगा ऑफ CGST प्लस SGST। नेक्स्ट, इंटरस्टेट परचेजेस ऑफ गुड्स 2.5 लाख, तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ IGST। नेक्स्ट, सो वॉज इट फ्रॉम PYQ और RTP? पिछला वाला क्वेश्चन RTP का था, ये देखो RTP नवंबर 2020। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं गाइस, ये वाला खैर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। परितोष एंड कंपनी हैज फॉलोइंग ITCs विद इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ टैक्स पीरियड 57,000, 60,000 एंड 1,40,000। ओके गाइस, हाँ जी, rates of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18% respectively. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. और आपको minimum cash outflow निकालना है guys. This is way, way too easy guys. अपन लोग फटाफट calculate कर देते हैं without wasting any further time. हाँ जी, आइए इधर. आउटपुट टैक्स, CGST, SGST, IGST, CGST कितना निकला गाइस, इंट्रास्टेट दस लाख का है, इंट्रास्टेट 10 लाख का है, रेट कितनी है गाइस, 9% है, रेट कितनी है गाइस, 9% है, तो कितना हुआ सर, 90,000, करेक्ट। इंटरस्टेट आठ लाख 144। ऑलराइट गाइस, ये आपका टोटल आ गया गाइस, 90,000 CGST का, 90,000 SGST का,
और 144 IGST का। अब ना मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ सो दैट आई कैन डू अ फुल ट्रीटमेंट, और वर्किंग नोट में आप डाल सकते हैं ITC कैलकुलेशन कंप्यूटेशन। ITC कैलकुलेशन गाइस आ जाओ भाई करें। सबसे पहला दोस्तों, हाँ जी, CGST, ओपनिंग बैलेंसेस 57,000 CGST, 60,000 आपका SGST और IGST का 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद इंट्रा स्टेट परचेजेस 3 लाख रुपए के हैं, एज यू कैन सी दैट। 9% 9.9% गाइज, 9 3s are 27, 27, 27 इसका 0। एंड गाइज इंटर स्टेट 2.5 लाख का, 2.5 लाख का गाइज, 2,50,000 का 18%, 45,000 गाइज, 1,85,000 निकल कर आता है, 87,000 निकल कर आता है, 84,000। अब गाइस एवरीबडी एवरीबडी गाइस, अब मुझे बताइए गाइस, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC करेंगे तो यहाँ 144 है और यहाँ 185, 144 है और 185। हाँ जी गाइस, 185 माइनस 144 निकल कर आता है 41,000, निकल कर कितना आता है गाइस, 41,000। नाउ द पॉइंट इज, आपने सबसे पहले क्या यूज किया दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ ITC में, ITC ऑफ IGST, IGST जिसमें से 144 तो यहाँ यूज होगा ही होगा, अब बचा 41,000, इट शुड बी यूटिलाइज इन अ वे विच इज द बेस्ट बेनिफिशियल। अब इसमें हमेशा मैंने आपको कैसे चेक करना बताया कि आप पहले CGST और SGST का ITC देखो, CGST और SGST का ITC देखो। तो उस केस में अगर अपन देखें तो 84,000 CGST का अवेलेबल है, तो हम यहां पर ध्यान से मेरी बात देखना, यहां पर हम 6,000 भी सेट ऑफ कर दें, अगर हम यहां पर 6,000 भी सेट ऑफ कर दें तो बचा हुआ नीचे 84,000 उसका वेट कर रहा है, और 84,000 पूरा उसका सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा इन केस ऑफ CGST। SGST के केस में गाइस बचा हुआ 41 में से 6 चला गया तो 35,000 यहां कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। SGST के केस में देखो नीचे 87,000 ऑलरेडी है, SGST के केस में नीचे 87,000 ऑलरेडी है, तो 3,000 भी काफी होता, लेकिन अब पूरा बैलेंस बचा है तो सेट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो केस नंबर 1 6,000 एंड 35,000 ऐसे हो गया, केस नंबर 2 38,000 इन CGST एंड 3,000 इन SGST, ये भी हो सकता था, और केस नंबर 3 आधा आधा भी कर सकते होते हैं गाइस इस सिनेरियो में। ऑलराइट गाइस, तो ITC ऑफ IGST हैज नाउ बीन यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट ITC ऑफ CGST, वो पहले CGST से ही होगा 84,000, बाकी से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट गाइज लास्ट ITC ऑफ SGST, SGST गाइज, और वो कितना होगा गाइज, वो कितना होगा फटाफट बता दीजिए, इधर इधर नहीं होगा, SGST का इधर 90,000 माइनस 35,000 55,000 इधर आएगा, इधर खत्म, ये हो गया निल, ये हो गया निल, ये भी हो गया निल और ये भी हो गया निल। अब दोस्तों कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, तो ITC कैरिड फॉरवर्ड, ये निल क्योंकि पूरा यूज हुआ, ये निल पूरा यूज हुआ, SGST का 87,000 माइनस 55,000, 32,000 रुपीज SGST का इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड।
32,000 रुपीज SGST का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा गाइस। ये उल्टा भी हो सकता है, CGST का कैरी फॉरवर्ड हो जाए, और अगर दोनों इक्वली है तो थोड़ा थोड़ा दोनों का ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ये देखो यहाँ पे इधर किया है 32,000, तो 32,000 आ गया है। अगर आपका CGST में आया है, सामने वाले का SGST में आया है, दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस, कोई नंबर नहीं कटेगा उस चीज का, ये बात पक्की है। ऑलराइट गाइस एवरीवन, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। तो हरी भाई यू विल हैव टू चेंज ना, जो मेरी बुक है उसको मैं अमेंड करता रहता हूँ, तो अगर आप अभी बुक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अमेंडेड वर्जन मिलेगा पूरा, आपको पूरा अमेंडेड वर्जन मिलेगा बेटा। ओके चलो जी गाइस, आ जाओ भाई। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स दैट परचेज ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1.5 टन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोर देन 50 यूनिट्स विल एंटाइटल देम फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 इज 50 लाख। इंटर स्टेट सप्लाई कितनी है गाइस? 50 लाख की इंटर स्टेट सप्लाई है। ऑल राइट, डिटेल्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या क्या है? सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख रुपए की, सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख की, ठीक है जी। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विद स्टेबलाइजर्स बींग अ मिक्स सप्लाई, बींग अ मिक्स सप्लाई, दोस्तों खुद से ही क्वेश्चन में दे दिया। रेट ऑफ GST ऑन रेफ्रिजरेटर इज 28%, 14-14% CGST SGST है, एंड रेट ऑफ GST ऑन स्टेबलाइजर इज 18%, 9% है। अच्छा गाइज आप लोग मुझे बताइए फटाफट इनटू द चैट बॉक्स, अगर 14-14% है या 9% है तो इन दैट केस, इन दैट सिनारियो हमें कौन सा कंसिडर करना होगा? विच वन ऑफ दिस इज वी विल हैव टू कंसिडर? सर द हाइएस्ट रेट, मिक्सड में हाइएस्ट रेट इज एप्लीकेबल, तो सर 28% इज वॉट वी विल हैव टू कंसिडर। 14% CGST, 14% SGST। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन एट द रेट 50 पर एयर कंडीशनर गाइस, तो 50 लाख के हैं, 50 लाख के हैं। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगर 50 यूनिट से ज्यादा खरीदा है तो 10% डिस्काउंट देंगे एयर कंडीशनर्स पर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगर 50 लाख की सेल वैल्यू है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, और डिवाइड बाय 50,000 करते हो तो निकल कर आता है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। और अगर 100 यूनिट से ज्यादा का बेचा, मतलब 100 यूनिट्स बेचा, मतलब 50 यूनिट से ज्यादा का बेचा है, तो विल इट बी एंटाइटल टू अ डिस्काउंट ऑफ 10%? समझ रहे हो गाइस मैंने कैसे निकाला? उन्होंने कहा अगर 50 यूनिट से ज्यादा का बेचेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो हम 10% डिस्काउंट देंगे। अब इन्होंने टोटल सेल वैल्यू दे दी और एक प्रोडक्ट की सेल वैल्यू दे दी, तो टोटल सेल वैल्यू 50 लाख है और एक प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 50,000 है, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव ट्रांसफर्ड? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू मस्ट हैव ट्रांसफर्ड 50,000 डिवाइड बाय 50 लाख डिवाइड बाय 50,000 विच विल कम आउट टू बी 100 यूनिट्स, क्योंकि ये 50 यूनिट से ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर देन 50 यूनिट्स। विल यू बी एंटाइटल फॉर फटाफट बताइए, विल यू बी एंटाइटल फॉर डिस्काउंट? द आंसर इज यस, यू विल बी एंटाइटल फॉर डिस्काउंट।
ओके गाइस, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 50 लाख पर, 50 लाख पर आपको 10% डिस्काउंट कितना आया गाइस? 45 लाख। कितना आया? 45 लाख। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? कितना निकल कर आया? 45 लाख। आ जाओ नेक्स्ट। 45 लाख पर जीएसटी विल बी चार्ज, 45 लाख पर जीएसटी विल बी चार्ज, इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। करें गाइस नेक्स्ट पॉइंट। आ जाओ भाई, इंट्रा स्टेट, उसके बाद इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज आर, रॉ मटेरियल 20 लाख के हैं गाइस, रॉ मटेरियल 20 लाख रुपए के हैं। क्या दोस्तों इंट्रा स्टेट है तो इस पर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पेड, एसजीएसटी पेड, हाँ जी गाइस, जिसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। पेड जिम मेंबरशिप फीस, क्या जिम से जुड़ा हुआ दोस्तों, विल यू बी एंटाइटल फॉर द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? नहीं सर, जिम से जुड़ा हुआ इज नॉट अलाउड, जिम से जुड़ा हुआ इज नॉट अलाउड, आईटीसी इज ब्लॉक्ड। ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रक परचेज किया है गाइस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, विल आईटीसी बी एडमिसिबल ऑन दैट? द आंसर इज यस, लेकिन ये 30,000 का नहीं, 30 लाख का होना चाहिए। 30,000 का कौन सा ट्रक आता है भाई? 30 लाख, गलती से दोस्तों, गलती से गाइस 30,000 लिख गया था, इट इज 30 लाख। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाईज ऑफ एयर कंडीशनर्स कैपेसिटी 1.5 टन टू ओनली वन डीलर नेम्ड मिस्टर एल, जिम मेंबरशिप वो फॉर एम्प्लॉइज इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर एनी लॉ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन होता देन इट वुड हैव बीन अलाउड। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आईटीसी इज एज अंडर, 58, 70 एंड 10 लाख, 58, 70 एंड 10 लाख, 10 लाख का आईटीसी, ओ माय गॉड, आईटीसी काफी ज्यादा है गाइस हमारे पास। ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आई जी एस टी आर 9, 9 एंड 18% एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अदरवाइज, बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल द कंडीशन आर ऑफ अवेलिंग आई टी सी हैव बीन फुलफिल्ड, कंप्यूट द नेट जी एस टी पेबल। हाँ जी गाइज, और ये हमारा जुलाई 2021 का, जुलाई 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिम मेंबरशिप ब्लॉक क्रेडिट, बिल्कुल सही, कॉमर्स टेक्निकल, बिल्कुल सही बेटा। करें अब, कहते हैं डन सर, करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, हाँ जी गाइस, आउटवर्ड सप्लाई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहला गाइस यहाँ पे 15 लाख का था, 15 लाख का, और 15 लाख का क्या था गाइस? 15 लाख का, 15 लाख रुपीस का गाइस, अजय भाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन, जब तक कुछ नहीं बोला अपन इसको क्या मानेंगे? इंटरस्टेट, माइक्रोवेव ओवन गाइस 15 लाख का है, 9, 9% 1,35,000,
1,35,000। उसके बाद दोस्तों रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर दोस्तों विद स्टेबलाइजर, विद स्टेबलाइजर दोस्तों ये आपका एक मिक्स्ड सप्लाई है, ये आपका एक मिक्स्ड सप्लाई है गाइस। 40 लाख रुपए का सामान है, 40 लाख्स का 14-14% गाइस। हाँ जी गाइस लगाइए, 40 लाख का 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000। एंड लास्ट दोस्तों एयर कंडीशनर्स, एसीस, एसीस कितने के थे गाइस हमारे? हाँ जी गाइस एसीस कितने के थे हमारे? 45 लाख्स के, 45 लाख्स, 45 लाख्स का गाइस 9%, 4,05,000, मतलब 18% है टोटल, 4,05,000। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है गाइस? नहीं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों आपका ये टोटल कर लेते हैं इसमें। अच्छा ऊपर एक ये भी दिया हुआ है, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई 50 लाख का है, तो ऊपर ये दिया हुआ है दोस्तों इंटरस्टेट सप्लाई 50 लाख, तो इसको लिख लेते हैं गाइस। पचास लाख इंटू 18%, 9 लाख। हाँ जी गाइस 135,560, 4,05,000, 11 लाख का CGST, 11 लाख का SGST और 9 लाख रुपए का IGST। ओके ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST, SGST, जो बच्चा देखो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होती फिर भी मैं दोस्तों पूरा पूरा लिखता हूँ, मेरे एग्जाम नहीं है आप लोगों के एग्जाम्स हैं, लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि राठी सर लिख रहे हैं, हम तो देख कर ही निहार कर ही काम कर लेंगे, सुंदर सुंदर लिख रहे हैं हमें सब समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट द वे गाइज, आई एम सॉरी टू से दैट इज नॉट द करेक्ट वे, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस आपको लिख लिख के करना ही पड़ेगा गाइस, देर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको 58,000, 70,000 एंड 10 लाख। आ जाओ भाई 58,000, 70,000 एंड 10 लाख्स, 10 लाख। उसके बाद दोस्तों इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज में आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितने का था गाइस? 20 लाख का, 20 लाख का आपने दोस्तों 9-9%, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। जिम मेंबरशिप, जिम मेंबरशिप 50,000 का था गाइस, 50,000, वो अलाउड नहीं है गाइस, वो अलाउड नहीं है, दैट इज ब्लॉक्ड। एंड लास्ट गाइस, एंड लास्ट आप लोगों का ट्रक, ट्रक 30 लाख का खरीदा गया गाइस, ट्रक
30 लाख का, और 30 लाख पर दोस्तों 9% यस राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, 2,70,000। एक तो स्पीड भी बढ़ती है गाइस उससे, 2,70,000 9% के हिसाब से, ये सब इंट्रा है। टोटल करिए द गाइस 58,000 प्लस 180 प्लस 270, 5,08,000, 5,08,000। दूसरा वाला दोस्तों 70,000 प्लस 180 प्लस 270, 520। तीसरा आता है 10 लाख रुपए, तीसरा आता है 10 लाख रुपए। सर इज इट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? यस, बट बिकॉज दिस सप्लाई वॉज नोन, दिस डिस्काउंट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, देयरफॉर वी विल अलाउ द बेनिफिट ऑफ दैट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कि एक बार में खरीदा है या अलग अलग खरीदा है, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि ऑल द कंडीशंस ऑफ डिस्काउंट हैव बीन ड्यूली सेट ऑफ, ड्यूली सेटिस्फाइड। अब गाइज इधर देखिएगा, एवरीबडी प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन टू दिस पॉइंट। हाँ जी, आईटीसी, अब हमें सेट ऑफ करना है आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी गाइस 9 लाख रुपए यहां पर होगा, गाइस 9 लाख रुपए यहां पर होगा। अब बचा 1 लाख, क्योंकि नीचे 10 लाख था उसमें से एक 9 लाख रुपए तो सेट ऑफ कर दिया, बचा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हैज टू बी सेट ऑफ। अब 1 लाख किससे सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी या एसजीएसटी से? अब दोनों के बैलेंसेस ऑफ आईटीसी काफी कम है, 5,08,000 और 5,20,000। तो अगर 1 लाख रुपए किसी से भी एडजस्ट कर देते हैं तो बचता फिर भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 लाख की है, और उसके लिए आईटीसी काफी अवेलेबल है नीचे, मतलब आईटीसी इज लेसर देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इन दैट सिनारियो गाइस, इन दैट सिनारियो यहां पर 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज कम हो जाएगा। 1,000 रुपए अगर आप कम, वो 1,00,000 रुपए, 1 लाख या तो इससे कर दीजिए या इससे कर दीजिए, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, सब 50-50 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, करने को वो भी सही होगा, लेकिन एडवाइजेबल रहता है अगर आप 1,00,000 रुपए पूरा एडजस्ट कर दें तो। हाँ जी, और आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी 5,08,000, आईटीसी और सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी गाइस फटाफट बताइए कितना है, 5,20,000, 5,20,000 रुपीज। नील, हाँ जी गाइस, 10 लाख माइनस 5,08,000, 4,92,000। 11 लाख माइनस 5,20,000, 5,80,000। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एवरी वन ऑफ यू क्लियर अबाउट इट गाइस? वेल डन, वेल डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा लग रहा है गाइस। क्वेश्चन एक आरटीपी का, आरटीपी नवंबर 2020, मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इट्स टर्नओवर वाज 35 लाख, टर्नओवर 35 लाख का है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर कितने का है, 35 लाख का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब गाइस
जो सर्विसेज दे रहे हैं और पिछले साल का टर्नओवर 35 लाख का है, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। हाँ ये बात सही है कि वो इस साल वो कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) फॉलो कर सकते हैं। अब आगे की इंफॉर्मेशन जैसी दी जाएगी हमें, हम उस हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन को टैकल आउट करेंगे। कहते हैं ठीक है राठी जी। कहते हैं फीस फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द कोचिंग सेंटर इज रन बाय मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब गाइस 6,24,000 का है और आपने प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज दी हैं, एंड बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज, क्या दोस्तों ये वाला एग्जेम्प्ट है या माफ है? ये वाला एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट है या माफ है, कह रहा हूँ दोनों तो एक ही बात हुई। टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? सर ये टैक्सेबल है। प्राइवेट कोचिंग में तो अनअकैडमी भी आता है, तो क्या अनअकैडमी जो प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज देता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जैसे कि नीट हो गए, जेईई हो गए, सीए हो गया, दोस्तों ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इन दैट केस गाइस क्या अनअकैडमी जीएसटी चार्ज करता है? और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, जहां पर बच्चे राठी 10 कोड यूज करके सब्सक्राइब करते हैं। हाँ नहीं तो और राइट, और अभी फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या दोस्तों वैसे ही ये टैक्सेबल है? क्या वैसा ही ये टैक्सेबल है गाइस? हाँ जी सर, वैसे ही ये टैक्सेबल हो जाएगा, दिस विल बी मेड टैक्सेबल, बिल्कुल। एंड बिकॉज दिस विल बी मेड टैक्सेबल, बिकॉज दिस विल बी मेड टैक्सेबल, विल जीएसटी बी कलेक्टेड ऑन दिस? यस, इंट्रास्ट स्टेट है और नीचे रेट है 9-9%, तो 6,24,000 इसका 9% निकल कर आता है 56,160, 6.24 लाख इंटू 18%, 18% गाइस, ओके 9-9% सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी 9.9%। रिसीट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन प्यूरिट प्यूरिट यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ध्यान से, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ बीइंग एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। हाँ जी गाइस, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड बीइंग बी इट टू अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी, बोथ आर एग्जेम्प्ट। तो सर ये एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्जेम्प्ट है तो बिल जीएसटी भी लिवाइड ऑन दैट, क्या उस पर जीएसटी लिवाई किया जाएगा? नहीं गाइस, उस पर जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड ऑन दैट, तो दिस इज एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी, नो जीएसटी। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक। हाँ जी गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू स्कूल्स माफ था, कॉलेजेस वाला टैक्सेबल था, एंड दिस इज अ पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक वर, तो गाइस क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? हाँ जी सर, ये भी एग्जेम्प्ट है, एंड देयरफॉर नो जीएसटी विल बी लिवाइड, नो जीएसटी, ओके। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल, अ प्री स्कूल, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज भी स्कूल्स के केस में माफ था, कॉलेजेस के केस में टैक्सेबल था, एंड बिकॉज दिस इज धानी पब्लिक स्कूल अ प्री स्कूल गाइस, इन दैट केस ये भी एग्जेम्प्ट होगा, दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी, नो जीएसटी गाइस। रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं, यू आर सपोज टू कंप्यूट द टोटल जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मल्टी सर्विसेज प्राइवेट स्कूल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इन दैट केस सिर्फ एक ही है गाइस, विच इज द फर्स्ट पॉइंट 6,24,000, उसका 9-9% सीजीएसटी एसजीएसटी 56,160, 56,160, ऑलराइट गाइस एवरीवन। आ जाओ भाई, 34 भी कर लेते हैं, ये आरटीपी का ही क्वेश्चन है, ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है गाइस। हाँ जी आ जाओ। नेक्स्ट,
एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. एएमटी कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मिनी बस हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 16 पर्संस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस इन बैक. अगर दोस्तों मिनी बस खरीदी गई है एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ये समझ में आता है इट इज फॉर बिजनेस पर्पजेस. दूसरा 16% है तो इन दैट केस क्या ये दोस्तों विल इट बी अवेलेबल फॉर आईटीसी? यस सर, इट विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी. रीजन बीइंग इट इज मोर देन 13 से ज्यादा होना चाहिए, 14 और मोर 13 तक ब्लॉक्ड है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, 14 और मोर. ओके सर, बाय द वे सर, नो करस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशन लाइकली फॉर अकाउंटिंग न्यू कोर्स फॉर दोज हैविंग पास्ड इट इन ओल्ड कोर्स. आई थिंक देयर शुड बी. हरी भाई, देयर शुड बी. ऐसा नहीं है, अगर आपने लेट्स से अकाउंट्स में अगर आपने एग्जेम्पशन प्राप्त कर ली है तो इन द न्यू कोर्स इफ यू माइग्रेट तो होना चाहिए. बाकी अभी कंफर्म हो जाएगा फ्रॉम द 1st of July जो हमारा इंस्टीट्यूट देगा. ओके, बल जबकि अभी आप ओल्ड कोर्स में भी एप्लीकेबल रहेंगे. आ जाओ भाई. बांगर सेरेमिक लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज टू ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू डीलर्स लोकेटेड इन वेरियस लोकेशंस विद इन द कंट्री. क्या दोस्तों ट्रक्स खरीदे हैं, विल आईटीसी बी एडमिसेबल? सर ट्रक्स में तो कभी मना था ही नहीं, ऑलराइट गाइस, तो इन दैट केस गाइस विल आईटीसी बी एडमिसेबल? हाँ जी गाइस, आईटीसी एडमिसेबल. तो पहला वाला आईटीसी अलाउड, दूसरा वाला आईटीसी अलाउड. नेक्स्ट, हंस प्रीमियम डीलिंग इन लग्जरी कार्स इन चाणक्यपुरी दिल्ली परचेज 5 स्कोडा वीआरएस कार्स फॉर सेल टू कस्टमर्स. हाँ जी गाइस, हंस प्रीमियम जो कि लग्जरी कार्स में डील करता है, मतलब उसका गाड़ियों का काम है, और उसने 5 स्कोडा वीआरएस कार्स खरीदी है आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए. दिस इज फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम प्रोडक्ट. आई नो दोस्तों स्कोडा गाड़ी की कोई सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा की नहीं होती, लेकिन अगर आपका उसी चीज का काम है, यू आर यूजिंग इट एज अ स्टॉक फॉर फर्दर सप्लाई, तो इन दैट केस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस विल यू बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? यस, यू विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. हाँ जी गाइस, क्या आईटीसी मिल जाएगा? आईटीसी अलाउड. नेक्स्ट, सन एंड मून पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड अवेल्ड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज टू रन अ कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री. कैंटीन लगाई अपनी फैक्ट्री में. द फैक्ट्री इज एक्ट 1948 रिक्वायर्स द कंपनी टू सेट अप अ कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री. क्या दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लॉ उन्हें कोई ऐसा कैंटीन स्टैब्लिश करना जरूरी था? हाँ जी गाइस, जरूरी था. तो इज इट अंडर ऑब्लिगेशन? क्या दोस्तों ये ऑब्लिगेशन के तहत है? हाँ जी गाइस, इट इज ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स. और यहां पर कौन सा लॉ है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. तो इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत बिकॉज ऑफ दिस लॉ यू हैड टू मेंटेन अ कैंटीन फैसिलिटी इन द फैक्ट्री, देयरफॉर यू विल बी एडमिसिबल. ऑलराइट गाइस, ऊपर भी 34 नीचे भी 34. नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर इट शुड बी 35 एक्चुअली, लेकिन मिस्टेकनली 34 हो गया है. करे एवरीवन, यस हरी,
फॉर ट्रेनिंग इन द सेंस आप गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, ड्राइविंग स्कूल्स हैं, देन इन दैट केस इट विल बी एडमिसिबल, देन इन दैट केस इट विल बी एडमिसिबल। आ जाओ भाई, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी गाइस करें। मिस्टर एकांत, सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक रेन कोट्स। इट फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय हिम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं दोस्तों, अमाउंट ऑल इन लैक्स, फिर फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नीचे दी गई है। अब आ जाओ दोस्तों, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन IGST, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन CGST प्लस SGST, ये आपने कलेक्ट किया होगा। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रा स्टेट, आपने CGST प्लस SGST कलेक्ट किया होगा। तो ये दोस्तों तीनों आउटवर्ड है, पहले तीन आउटवर्ड हैं गाइस, और ये क्योंकि तीनों आउटवर्ड हैं, ये तीनों आउटवर्ड हैं, आपको क्या मिलेगा दोस्तों यहां पर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी OTL, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो इंट्रा स्टेट में यहां पर आपने CGST SGST CGST प्लस SGST का ITC, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन IGST, ये आपने कलेक्ट किया है, दिया है दोस्तों, तो आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन गाइस, इस पर नो ITC, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो सामने वाले ने आपसे टैक्स लिया ही नहीं होगा, सामने वाले ने आपसे टैक्स लिया ही नहीं होगा। नेक्स्ट अजय भाई, IGST क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई अमाउंट 1.5 लाख रुपीज, ये डायरेक्ट IGST क्रेडिट है, मतलब 1,50,000 रुपए का टैक्स कंपोनेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट गाइस, 1,50,000 का टैक्स कंपोनेंट है, ओके क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट, सो लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट RCM इज एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा मेरे भाई, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, ओके आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट। CGST SGST क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग 5,000 रुपीज, इंक्लूडिंग 5,000 रुपीज CGST SGST ईच एन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। क्या दोस्तों अगर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब है तो क्या ये ब्लॉक हो जाएगा, विल इट बी ब्लॉक्ड? यस सर, इट विल बी ब्लॉक्ड, इसे ब्लॉक करना होगा, इसे ब्लॉक करना होगा गाइस, ब्लॉक्ड।
उसके बाद अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली इंट्रा स्टेट सर्विसेज. नाउ दैट पॉइंट गाइस, जो मेरे बच्चे ने पूछा कि सर अगर आपने सर्विसेज अवेल करी हैं फ्रॉम सुजीत, तो इन दैट केस इस पर क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, आरसीएम लगेगा? हाँ जी, आरसीएम लगेगा. और क्या आरसीएम के केस में यू विल हैव टू पे, क्या आपको पे करना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? हाँ जी गाइज, आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन क्या उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा? क्या उसका आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज. विल यू बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन दैट? यस, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. नो डाउट अबाउट इट. All right, guys. Everyone. बाकी दोस्तों, Now it is a doable question. ये opening balances दिए हुए हैं. आ जाओ भाई. Opening balances दिए हुए हैं 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख. 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख. इसका आप treatment कर सकते हैं. सर, आरसीएम का पेमेंट पहले करना पड़ता है, फिर जाकर आईटीसी मिलता है. बिल्कुल कॉमर्स टेक्निकल भाई, बिल्कुल सही बोल दिया आप. आ जाओ गाइस, एक क्वेश्चन और करते हैं. ये भी अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा. पी वाई क्यू दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है गाइस. क्या ये मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा गाइस? कल तो मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक दो क्वेश्चन अब क्या आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं? एक मिनट दीजिएगा. एक दो क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस. द मेसर्स एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन गुजरात एंड इट हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स ऑफ मंथ. सीजीएसटी ये सब दिया हुआ है दोस्तों, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और फिर इसके ट्रांजैक्शंस गाइस. रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्चुअल नेट लायबिलिटी. आपसे एक्चुअल नेट लायबिलिटी कह रहे हैं. हमने तो अपने हिसाब से कर दिया, आप एक प्रोफेशनल है तो आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? हाउ कैन यू हेल्प अस आउट? उससे जुड़ा हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन है. थर्टी सिक्स का अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये. ये देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों जुड़ा हुआ आपका. ये हमारे शायद इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन टाइप है. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल टाइप क्वेश्चन है ये. एक करते हैं गाइस. श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कोलकाता. ओके, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. इंट्रा स्टेट ऑफ टैक्सेबल गुड्स. तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है गाइस ये. इस पर आप क्या कलेक्ट करेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. परचेज ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर बिफोर बीइंग पुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस. इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, विल यू बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? Will you be entitled for the benefit of ITC? अगर goods destroyed हो जाते हैं. नहीं सर, अगर goods destroyed, free sample और ऐसे देते हैं तो सर ITC का benefit नहीं मिलेगा. No ITC. Services provided to a foreign diplomatic mission located in India. Sir, foreign diplomatic mission. Sir, ये हमने exemptions वाले chapter में पढ़ा हुआ है. तो इन दैट केस सर, एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में जो पॉइंट पढ़ा है
ये क्या होगा गाइस, एग्जेम्प्ट। ये क्या होगा दोस्तों, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू द कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बताओ दोस्तों, क्या आईटीसी से जुड़ा हुआ, सॉरी फूड से जुड़ा हुआ, विल यू बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? क्या आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? दिस इज व्हाट आई विश टू नो। है ना एवरीवन, एक सेकेंड दीजिएगा। एवरीबॉडी, फूड पर नो आईटीसी। GTA services received from a GTA, GST is payable at the rate 5%. हाँ जी गाइस, GST is payable at the rate 5%। फटाफट बताइए, क्या आपने पे किया होगा, क्या आपने पे किया होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? आपने पे किया होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? यस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड ने पे किया है, पे करेगा, करेगा, फिर उसका आईटीसी का बेनिफिट लेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, Interstate services provided to Dhruv Limited in respect of business exhibition held in India. Held outside India wala exempt tha. Held in India taxable hai guys. Held in India taxable hai. Held outside India wala exempt hai. Held in India taxable. Interstate security services provided to Torrent Higher Secondary School unregistered under GST for their annual day function organized in Katiyani Auditorium. अब ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, outside the school campus। आप लोगों को याद है दोस्तों, if it is outside the school campus, अगर ये school campus के बाहर होगा तो in that case, in that scenario guys, क्या ये exempt होगा या taxable होगा? Will it be exempt or taxable? Sir, in this case, it will be taxable. याद आ रहा है? वैसे security services provided to schools exempt होती है, अगर 12वीं class तक का school है exempt होती है, लेकिन ये जो security services हैं वो school premises में provide करी जानी चाहिए। कहां प्रोवाइड करी जानी चाहिए? स्कूल प्रीमाइसेस में प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 3 lots आउट ऑफ विच सेकेंड लॉट वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। सेकेंड लॉट वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। अब मुझे बताइए गाइज, इफ द सेकेंड लॉट वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ 40,000, तो इन दिस केस क्या होगा? फटाफट फटाफट झपा झप बताओ भाई, क्या मिलेगा आईटीसी? नो आईटीसी। आईटीसी कब मिलता है गाइस? आईटीसी कब मिलता है? जब जब आपका पूरा का पूरा लॉट रिसीव हो गया हो और फिर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। तो इन दैट केस गाइस, इन दैट केस 57,000 and 50,000 ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अब आप लोग दोस्तों आईटीसी का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को खुद से करने के लिए इसलिए दे रहा हूं, सो दैट आप लोग अच्छा दोस्तों यहाँ छोटा सा एक एरर है, ये नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, नहीं आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो ऊपर आउटसाइड इंडिया होगा तो टैक्सेबल कर देना,
इन इंडिया है इसलिए माफ किया था गाइज अपन लोगों ने, इन इंडिया वाला माफ है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये हो गया गाइज। एक फिर अब नेक्स्ट आरटीपी का क्वेश्चन है फिर से, और ये बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है गाइज, ये वाला क्वेश्चन फिर खुद से करेंगे, ये वाला क्वेश्चन फिर खुद से करेंगे। बाकी दोस्तों कल अपन कंटिन्यू करेंगे, कल अपन कैरी ऑन करेंगे गाइस, और कल भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। लेट मी सी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास। हम 38, 39, 40, 44, 45, ओ माय गॉड 50 क्रॉस होने वाले हैं क्या भाई? ओ हो 50, 51, 52, 53 तक हैं दोस्तों आई थिंक। 51, 52 तक है। तो गाइस कल के लिए भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और कल कंटिन्यू करेंगे गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। कल के लिए भी हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। 'सिक्योरिटी सर्विसेज ओनली टू बैंक्स' आरसीएम आर सिक्योरिटी सर्विसेज में दोस्तों बैंक्स वाला पॉइंट नहीं था, सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन था आरसीएम में। उसमें तीन चार एक्सेप्शंस हैं ठीक है ना सर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, दोस्तों इन सब में हु हैव टू टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, ये कॉम्पोजिशन सप्लायर, इनमें आरसीएम नहीं लगेगा। बाकी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। सर इज दीज क्वेश्चन इनफ टू क्लियर एग्जाम्स? येस, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर इनफ टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट माइट आस्क। ये क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करवा देगी आपके। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अलग अलग तरीके के जितने क्वेश्चन करते हैं उतना ज्यादा इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ऑलराइट गाइस, उतना ज्यादा इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। Everyone clear about it? Everyone clear about it? Just give me a moment. Okay. All right, guys. So आज का हमारा session यहीं तक। आज का सेशन यहीं तक, कल कंटिन्यू करेंगे गाइस। टुमारो इट माइट बी एट अ डिफरेंट टाइम बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी वर्क, कुछ अलग टाइम पर होगी दोस्तों। एंड इट माइट बी इन द इवनिंग एट 5, ओके? इट माइट बी इन द इवनिंग एट 5 PM, ओके? चलो जी गाइस, जाने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ रिगार्डिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी विच इज़ अन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक, जहाँ पर आप लोग कर सकते हैं एनरोल फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट, ओके गाइस, एंड फॉर द बेस्ट पॉसिबल क्लासेस। यूजिंग द कोड RATI10 आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और अन अकेडमी प्लस जो कि एक स्टैंडर्ड प्लान है गाइस, आइकॉनिक एक नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पर 1:1 लाइव मेंटोरशिप एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के एडिशनल बेनिफिट्स हैं। प्लस में गाइस यूजिंग द कोड RATI10 RATHI10 आप लोगों को फ्लैट, गाइस 25% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि दोस्तों 30 तारीख तक का ही ऑप्शन है, 30th तक का ही ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद नॉर्मल डिस्काउंट विल फॉल डाउन टू 5%, सिर्फ 5% डिस्काउंट रह जाता है। तो 12 और 5%, 12 और 5, 15 महीने सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग सब्सक्रिप्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं, ओके? आइकॉनिक में 1:1 लाइव मेंटरशिप और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के एडिशनल बेनिफिट्स हैं, तो उसकी एडिशनल कॉस्ट भी है। मेक श्योर टू एनरोल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ASAP एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद गाइज आप लोग चाहें तो अनअकैडमी स्टोर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको सिंगल सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर यू लाइक, डिपेंडिंग अपॉन जिस टीचर से आपकी ज्यादा कंफर्टेबिलिटी है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं गाइस। बीट अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट और एनी अदर सब्जेक्ट
जो आपको सीए इंटरमीडिएट में मदद करे। बेटा मैं बसा वचारू वराजू, मैंने एक सेशन लिया था रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस बैच, उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स बेटा, उसके थ्रू यू कैन रिवाइज डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर भी दोस्तों टैक्स की आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट कोर्स ऑन टैक्सेशन गाइस। और यहाँ पर अगेन ज्वाइन बैच करिए, यूज द कोड राठी 10 फॉर फ्लैट 25% डिस्काउंट एंड द प्राइसेज विल फॉल डाउन बिलो 5,000 रुपीज। तो 5,000 से कम, 4,874 टू बी प्रिसाइज, उससे कम प्राइसेस में दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस मिल रही है। एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वर्थ एवरी मोमेंट दैट यू स्पेंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ऑल राइट गाइस, सो विशिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।